इस मोटे का पेट नहीं भरता है, दुनिया का पेट भर जाएगा कपड़ा खरीद करके। कल करवा चौथ है, दोपहर से मुझे लेके निकली हुई हैं, अभी कपड़ा ले रही हैं, अभी साड़ी वाड़ी ले करके आई हैं, बैठ करके अभी यहाँ पर कम से कम 1000 रुपये के तो गोलगप्पे खाए इस मोटे ने, इसका पेट नहीं फटा, मेरा जेब फट गया भाई साहब, 1000 रुपये के मोटे ने गोलगप्पे खा लिए। अभी तो ये देखो, अभी कपड़े ऊपर खरीदेंगे तो इससे पेट नहीं भरेगा, अभी यहाँ पे लेके आई, यहाँ पे जो खाएगी ना वो मैं बाद में आपको दिखाऊंगा। मैं कभी सोचता हूँ ये लड़की के पेट में घुस कहाँ जाता है, पिज्जा बर्गर चाउमीन ये सब ये घुसता कहाँ है, इतनी शॉपिंग करती है उसको भी तब भी पेट नहीं भरता है। आजकल भैया सही बात कहते हैं लोग, शादी करना बहुत हार्ड वर्क है, कम नहीं है, इनको संभालो फिर इनको भी संभालो। मैं डांट के खींच के लाया था ना, अभी वापस पहुंच गई वहां पे, जैसे लड़की वैसे उसकी मम्मा, अभी देखेगी ना तब देखूंगा, अभी नहीं। देखने का सवाल ही नहीं, कपड़ों में ऐसे उलझी हुई है, मैं जाके आता हूँ वहां पर। मिला कुछ? मिला कपड़ों में नहीं मिलेगा। गलत भाई, देखो कोई भी हो शादी तभी करना जब महीने का 50-60 हज़ार कमाते हो ना तभी, क्योंकि 25 कमाते हो कम से कम 98 50,000 की सैलरी अगर होगी तो उसमें से 49 तो यही खा जाएंगी, बच्चे का 1000 रुपये अपने ऊपर खर्च करने के लिए तो 50 चाहिए भाई कम से कम। देख रहे हो घूम के वापस वहीं पहुंच जा रही है, घूम घूम के वहीं पहुंच जा रही है। कल का व्रत है दिख रहा है, कल करवा चौथ का व्रत करने से पहले एक पिज्जा पेट में जा चुका है, दूसरे का सिलसिले खा रही है, ये है करवा चौथ का व्रत की रियल सच्चाई जो आज मेरे नजर में आई। मैं खा नहीं सकता तो मुझे ललचा ललचा के खा रही है। ऐसे बोल देना पति कहीं नीचे बैठने के लिए, तो ऐसा नहीं बैठ जाएगा। अभी कहाँ पे बैठी है? ऐसे सीढ़ी है, वो सीढ़ी पे बैठी हुई है आराम से, क्यों मेहंदी लगवानी है? अभी मैं बोल दूँ ना चल बैठ के नीचे गोलगप्पा खा लो चाहे खाना खा लो भाई, वो चीज़ खा के देख लो घर वालियों को, वैसे नहीं बैठेंगे नीचे। पर अब देखो फूल लगाना है, देख रही है बहुत घूर घूर के भाई साहब कसम से, मेहंदी लगाने के लिए बैठ गए नीचे आकर के। ये भैया अभी पनीर टिक्का बना रहे हैं, ये तो ये भी खाने वाली है, किसके लिए बन रहा है? तो बैठी हुई है वो, दिख रहा है एक प्लेट वहाँ पे वो ख़त्म हो चुका है, एक प्लेट वो ख़त्म हो चुका है, उसके बाद में अभी पनीर टिक्का जाएगा, फिर ये खाएंगी, फिर बच्चा कुचा होगा ना तो मेरा खून पी करके पेट आज भर लेंगी ये, और नहीं होगा तो कुछ और भी खा लेंगी, मतलब कतई ना खा चुकी है, कितना खा को गिनती नहीं है। अब ऐसे ही बोलेंगे कल मैंने व्रत रखा है अपना, इतना सब करने के बाद में सोचो व्रत। चलो अब ये भी कट गया है, ये भी परोस देता हूँ, ये भी खा लेंगे, फिर पूछता हूँ कुछ और खाने के लिए। दोस्तों खाने पीने के बाद में इनके एक फ्रेंड है जिनके घर पे अपन आए थे, और यहाँ पे आकर के इनने पूरी मेहंदी वेहंदी लगाई, पिछले साल भी हमने मेहंदी यहीं से लगवाई थी, मेहंदी बहुत अच्छा रखती हैं तो इसलिए दोबारा यहाँ पे आए थे, बहुत मतलब शानदार मेहंदी लगाती हैं तो आए और मेहंदी वगैरह ला रहे कार्यक्रम। तो अभी खा पी रही थी, अब है ना जो बच्चा कुचा जो मेरे जेब में पैसा था ना वो मेहंदी में खर्च हो रहा है आकर के। दीदी के पास लेकर के आए ये मेहंदी, पिछली बार भी लेके आए थे पर पिछली बार इनको व्लॉग में नहीं लिया था मैंने, तो इस बार ले लिया कि भाई याद भी रहेगा कि मैं इनके पास में आए थे यहाँ पे, ठीक है। तो अब बच्चा कुचा पैसा यहाँ खर्च हो गया, जो कल बचा रहेगा कुछ ये कल निकाल लेंगे अपने आप। थैंक यू दीदी, मेहंदी आपने बहुत अच्छी लगाई है, मेहंदी दिखा दो। तो मेहंदी उन्होंने बहुत अच्छी एक चीज़ और, एक चीज़ और, एक चीज़ और। अच्छा नाम, इतना पैसा खर्च करके नाम तो कम से कम बनता ही है। थैंक यू दीदी, थैंक यू।